不离不弃。ये इम्पॉसिबल है। ऐसे अजीब हालात आपके जैसा अजीब इंसान ही पैदा कर सकता है। वो दोंगे नहीं, वो सिर्फ पैसे लुटा सकता है। उसे कैसे पता चला कि मी होलो को गाना पसंद है? क्या इन्फॉर्मेशन लीक हुई? ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ मिस्टर ली, आप और मैं जानते हैं। वैसे केसी यहां थी? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत मदद की। तो फिर केसी, क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? या बैंक अकाउंट नंबर भेज सकती हो ताकि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं। नहीं थैंक्स, ये सब मैंने क्वांगो के लिए किया। लॉयर साहब, तुमने हमें धोखा दिया। क्या मतलब है आपका? क्या तुम वो दोंगे की कमर्शियल स्पाई हो? लिसा। यस सर। केसी कहाँ है? केसी अभी निकली है। मिस्टर शु, लॉयर जाओ उसके साथ थे। ठीक है। कमर्शियल स्पाई कुछ भी, बस कीजिए लॉयर जाओ। लॉयर जाओ, उसे डराना बंद करो। केसी के पास इन्फॉर्मेशन लीक करने का कोई मकसद नहीं है। मैंने पता किया है, उसने एक प्रोफेशनल काउंसलिंग ग्रुप को हायर किया है। भले ही उसके पास काबिलियत ना हो, पर उसके जो प्रोफेशनल टीम है उनके पास वालों के शौक को एनालाइज करने की काबिलियत है। आप सच में इस पे भरोसा रखते हो? हाँ हाँ, मैं रखता हूँ। तो तुम्हें इसे परेशान नहीं करना चाहिए। किसी जो लोग मिस्टर जू के साथ काम करते हैं उनके लिए बहुत आसान है इन्हें धोखा देना। तुम्हें पैसों का लालच नहीं होना चाहिए। अगर मुझे पता चला तुमने सच में किया है तो मैं कह देता हूँ, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। डर गई ना, मैं मजाक कर रहा था। मिस्टर जू को तुम पे भरोसा है इसलिए मुझे भी भरोसा है, ठीक है? मिस्टर शू, लॉयर जाओ, बुरी खबर है। किसी ने मैसेज लीक कर दिया। अब इंटरनेट पर खबर फैल गई है कि हमारा लीडिंग ऑथर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा। और बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं कि मेहुलू ने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो मिस्टर शू का एक्सप्लॉयटेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये भी कहा उन्होंने, ये भी कहा। क्या उन्होंने कहा? मिस्टर शू के खड़ूस लीडरशिप के अंदर हेगी ग्रुप अपने सब फॉलोअर्स को खो देगा। अब पहले से जो शेयर होल्डर्स हैं वो ओपन मीटिंग प्रपोज कर रहे हैं। ये वही दोंगदे होगा, वो लंबे समय से प्लान कर रहा था मुझे कमजोर करने के लिए। क्या कमर्शियल स्पाई? मिस्टर, वो लगता है आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब है आपको मेरे लिए जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ कॉन्गो को बचाना है बस। देखो किसी, शूनो के साथ रहो और मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन देती रहो। अगर मेरी पोजीशन बनी रही और शूनो कमजोर हो गया तो मैं कॉन्ग हू को बचाऊंगा। सभी कंपटीशन ओपन और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। कमर्शियल स्पाई बनना जैसे खुले मैदान में नकली रेसलिंग करने के बराबर ही है ना? खुले मैदान में सब सही होता है लेकिन असल जिंदगी में नहीं। तुम धोखा नहीं दे रही हो, ये बस एक फेयर डिफेंस है और कुछ नहीं। मुझे नकली रेसलिंग से नफरत है, मैं आपकी मदद नहीं करूंगी। अच्छे से शेड्यूल बनाना मत भूलना। हाँ, बिल्कुल। जाओ काम करो। अजीब है, मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है? जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीशा,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पूछना है मेरे वैरायटी शो को अप्रूवल क्यों नहीं दे रहे? नहीं, अभी नहीं प्लीज, उनके पास बहुत सारे काम है आज, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। नाराज हाँ, तुम अब भी उसके बारे में सोचती हो? नहीं, वो डर है कि तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, बात कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए, उनका मूड ठीक होने पर चले जाना। मैं इंतजार नहीं कर सकता। ए, जीशा रुको। तुम क्या करने आए हो? बॉस से मिलने के लिए तुम्हें अपॉइंटमेंट लेना होगा, तुमने लिया है? सॉरी, मैंने नहीं लिया, मिस्टर शू से कुछ बात करनी है। लौट जाओ, तुम बाहर जाओ। बैठो। नो, इट्स ओके। मैं जानता हूं तुम यहां किस लिए आए हो, तो मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट देता हूं, उम्मीद करता हूं तुम्हारी नई कहानी मुझे पसंद आ जाए। जीशा बोलो, टाइम खत्म होने पर तुम बोलने का मौका खो दोगे। जहाँ तक मुझे पता है, जो लड़कियाँ कॉम्बैट प्रैक्टिस करती हैं, उन्होंने लाइफ में बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया होता है, लेकिन वो अपनी आजादी और कॉन्फिडेंस कॉम्बैट के जरिए वापस पाती है। शो ना सिर्फ कमर्शियल वैल्यू दिखाएगा, बल्कि लड़कियों की पावर भी दिखाएगा। लड़कियों को 4 दीवारों में बंद रखने वाले ट्रेडिशन को तोड़ देगा और नए जमाने की। बस आइडिया के लिए और सोच के लिए मैंने तुम्हें गलत नहीं कहा, लेकिन मैं तुम्हारे शो के लिए हाँ नहीं कहूंगा। लॉयर जाओ। अब क्या हो गया? 2 डायरेक्टर्स आए हैं, कह रहे हैं मिस्टर शू से पूछताछ करनी है, मैंने उन्हें मीटिंग रूम में इंतजार करने के लिए कहा। तो अप्रूवल ना देने की आपकी वजह क्या है? सिर्फ आपको रेसलिंग पसंद नहीं है इसलिए? अगर ये बात सच है तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ये बिल्कुल गलत है। एक लीडर और एक एंटरप्राइज बड़ी सोच के बिना कंपनी को ऊंचाई तक लेकर जाने में मदद नहीं करता, इससे कंपनी और छोटी हो जाती है। मिस्टर शो, इसके कहने का ये मैं अच्छे से जानता हूँ ये क्या कहना चाहता है। सुनो लियांग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे हालू की नॉवल बिल्कुल नहीं पसंद आई, लेकिन फिर भी मैंने उसे रोकने की कोशिश क्यों की? क्योंकि वो इस कंपनी के लिए काम का है, वैसे ही जैसे मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, पर क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो और वीडियो कंपनी का एक खास हिस्सा हो, तो ना ही मैंने तुम्हें सिर्फ हायर किया है बल्कि तुम्हें डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका दिया है। तो आप शो के लिए सहमत नहीं हो क्योंकि आपको लगता है ये कंपनी के लिए बेकार है? इतना ही नहीं, बल्कि वो समय की बर्बादी है, पैसों की बर्बादी है और साथ ही लोगों की भी। तो हाँ लियांग, ये मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा बोरिंग प्रोसेस होगा और कुछ नहीं, जहां पर रेसलिंग प्लेयर्स चैंपियनशिप को जीतने के लिए अनगिनत ऑडिशंस देंगे, तो फिर ये बाकी कंपटीशन से कैसे अलग रहेगा? तो फिर ये क्यों करना चाहिए? हाँ ठीक है, अभी मेरी मीटिंग्स हैं तो फिर मैं चलता हूं। कैसी, इन्हें यहां से ले जाओ। अरे जीशा, मिस्टर शो ऐसे ही बात करते हैं, उनके कहने का ये मतलब नहीं था, वो बस नहीं जानते हैं कि लोगों को बहुत दुख होता है उनकी बातों से। मैं जानता हूँ, ये मेरी गलती है कि मैं पावरफुल नहीं हूँ तुम्हें बचाने के लिए। नहीं, पर उन्होंने कहा कि वो शो के लिए मना नहीं कर रहे हैं, पर बात यह है कि उन्हें रेसलिंग पसंद नहीं है, तो हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। कोई बात नहीं, हम फिगर आउट कर लेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी एडवाइस लूंगा। तुम्हारा हौसला बुलंद है, जब तक तुम यहाँ हो आई विल बी कॉन्फिडेंट। मेरे पास कोंगू का जज्बा है, कभी ना नहीं कहना। कम ऑन, कम ऑन।
अगर ये बात है, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। सुनो, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ओडुंगडे अभी भी हेगे ग्रुप का मेंबर है। अब अभी भी हेगे ग्रुप में उनके फादर के कई सारे दोस्त शेयर होल्डर्स हैं। वो उनको किसी भी वक्त भड़का सकता है, वैसे ही जैसे तुमने उनके साथ किया। वो शायद तुम पे कार्रवाई भी कर सकता है। मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। यह सच में मेरी गलती थी कि मैं हवालों का शिकार बना। मैं इस सब की जिम्मेदारी लेता हूं और उसके वजह से कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा। कंपनी के एनुअल ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स अभी मुश्किल में होंगे मजबूत करने के बाद भी, तो आपको इजाजत है कि मुझ पर कार्यवाही कर सके। उसने ये कहा है, देखते हैं क्या करेगा। बस यही एक तरीका है। बॉस, मैंने सब जगह ट्रेलर देखा और कंपेयर किया जनरल रेशल कंपटीशन के साथ, तब पता चला इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो मुझे लगता है मिस्टर शू सही है। हाँ, हम कुछ अलग कैसे ला सकते हैं बताओ। तुम भी तो एक ऑडियंस हो और रेसलिंग कॉम्पिटिशन्स नहीं देखते। अगर शो को तुम्हारे लिए अट्रैक्टिव बनाना हो तो क्या करें? लोग मेरे जैसे सुपरफिशियल हैं, जिन्हें रेसलिंग समझ नहीं आती, वो सिर्फ आने वाले प्लेयर्स की शक्ल देखेंगे। जैसे कि लियोनजो। लियोनजू, सही कहा, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। रेसल गर्ल का फाइनल गोल ली युनजू को चैलेंज करना है, उसकी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करके ऑडियंस अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे कंपटीशन रूल्स हमारे ऑडियंस को शो से जोड़ कर रखेंगे, या शायद हम नई रेसल गॉडेस भी बना सकते हैं। क्या बीओटी शूनाओं पर कार्रवाई करेंगे? मिस्टर शू, आप अंदर क्यों हैं अभी तक? मिस्टर शू, अगर आप बाहर नहीं आए तो मैं अंदर आ जाऊंगी। कहीं आप बेहोश तो नहीं हो गए? मिस्टर शू, प्लीज बाहर आइए। मिस्टर शू, मैं अंदर आ रही हूं। इसे कहते हैं सब कुछ देखकर कुछ ना देखना। मिस्टर शू, मिस्टर शू, मिस्टर शू, रुक जा, क्या कर रही हो? क्या तुमने फिर से बैठकर इंटरनेट पे वही ट्रिक्स देखी हैं? क्या आप सीरियस हैं? मैं आपको थैंक यू कहने आई हूँ। नहीं चाहिए। पूछिए तो किस लिए थैंक यू कहना है? चाहे जो भी वजह हो, मुझे नहीं सुनना। थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। लॉयर साहब भी मुझ पर शक करने लगे थे, लेकिन आपने मुझ पर भरोसा दिखाया, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। बुरा? पर क्यों? सच में इन्फॉर्मेशन लीक की थी? नहीं, वो क्या है कि दोपहर की मीटिंग शुरू थी तब मुझे ऐसा लगा कि आप बहुत गुस्सा हो रहे हैं। इसके अलावा उसी समय इंटरनेट पर न्यूज आई कि सब आपके खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। पर मुझे समझ नहीं आया, मुझे याद है कि लॉयर जाओ ने कहा भले ही मैं हॉल और मिस्टर वू के साथ जाए पर आप पर असर नहीं होगा। पहले मेरे बात ध्यान से सुनो, ज्यादा पढ़ो कम देखो। इंटरनेट की उन खबरों से मुझ पर असर नहीं होगा। मैं रोज पढ़ती हूँ और रोज रात को शो देखती हूँ अप्रोचिंग साइट। दूसरा, बीओडी अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ तमाशा कर रहे हैं, उसका मुझ पर असर नहीं होगा, उसकी फिक्र मत करो। यकीन दिलाता हूँ कि सैलरी कम नहीं होगी।
मुझे सैलरी की चिंता नहीं है, आपकी चिंता है। मुझे जरूरत नहीं, खुद को बचाओ, मैं खुद को अपने आप संभाल सकता हूं। जाओ जाकर सो जाओ। अब क्या हो गया? मिस्टर शु, आप बहुत ही अच्छे हैं, आप मुझे कितना दिलासा देते रहते हैं, लगता है वो आपको गलत समझ रहे हैं। क्यों ना ब्रेन वेव थेरेपी को जारी रखें ताकि आप ठीक हो जाए और आप में कैसी पीछे मुड़ो और निकल जाओ। हाय जीशाओ, मैं तुम्हारी कंपनी की गेट पर हूँ, तुम कहाँ हो? आपने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो रेडी हो गया है। हाँ। मेरा हाथ छोड़ो। हाय जिशाओ, चलो चलिए, मीटिंग शुरू हो गई, कैंसिल कर दो। क्या? अरे ये लो, तुम्हें रेड वेलवेट केक बहुत पसंद है ना, ये बहुत ही अच्छा है, टेस्ट करो। मैं नहीं खा सकती, कोच ने कहा मैं मसल बना रही हूँ तो। एक बार खाने से क्या होने वाला है? नहीं, मैं नहीं खा सकती। मैं जानता हूँ, सिर्फ एक बाइट से कोच को पता नहीं चलेगा। कम ऑन। अच्छा है ना? आप किसे देख रहे हैं? लियांग की नई गर्लफ्रेंड को देख रहा हूं। अच्छी है, इसकी चॉइस अच्छी है, केसी से ज्यादा सुंदर है। वो उसकी नई गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? ये हर आदमी की ड्रीम लवर है। रूट पर कुछ लगा है? लियांग तो बहुत ही लकी आदमी है। पर आपको क्या हुआ, आप क्यों दुखी हो रहे हो? अरे क्या हुआ, कुछ तो कहो। जिशाओ, तुम कुछ कहना चाहते हो मुझसे? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी, लेकिन मुझे डर है कि तुम मदद नहीं करोगी। क्या बात है, मैं पक्का मदद करूंगी अगर कर पाई तो। तो रुको जरा, केसी आने के बाद बताता हूँ। सी यंजो, केसी, क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना? कितनी मेहनत वाली जॉब है, अगर किसी ने तुम्हें काम ना करते देख लिया और निकाल दिया तो? तुम इसकी चिंता मत करो, एक्चुअली ये मेरे बॉस के आने की जगह है, लेकिन वो कंपनी में नहीं है। आपकी कॉफी। थैंक यू। आपका मतलब लियांग के साथ जो लड़की है ये वही है जिसे आप ढूंढ रहे हो? आपसे गलती तो नहीं हुई ना, आप जानते हैं वो कौन है? वो वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। हाँ? हमने कॉन्ग हू स्टेडियम में उसका कंपटीशन देखा है, रेसल गॉडेस, मैंने उसे बहुत पहले देखा है।
आपको यकीन है ये वही है? हाँ मुझे यकीन है, उसने ब्रेसलेट पहना हुआ है, मैंने साफ साफ देखा। उसका नाम क्या है? ली यून जो। ली यून जो? तभी ब्रेसलेट पर यू लिखा हुआ था, वो उसका नाम है। क्या आपने वो ब्रेसलेट विशिंग पूल में फेंका नहीं था? उसने वो ब्रेसलेट कैसे उठा लिया? मुझे यकीन है वो ब्रेसलेट ज्यादा महंगा नहीं है, वो हाथों से बनाया लगता है। अगर उसे फेंक दिया तो कोई भी नहीं उठाएगा, जब तक उसने खुद ना फेंका हो। आपने अभी जाकर उससे पूछा क्यों नहीं? आप मुझे बता रहे हो उसकी बातों ने आपको नई जिंदगी दी है। अगर आप किसी से प्यार करोगे तो उसी से, आप लियांग से नहीं हारोगे। वो कितना अच्छा मौका था, आपने उससे पूछा क्यों नहीं? तुमने देखा नहीं वो उसकी आंखों को कैसे देख रही थी? अगर तुमने देखा होता तो पता होता वो लियांग की वजह से बहुत ज्यादा खुश है। मैं नहीं चाहता वो परेशान हो। क्या मुझे रेसल गर्ल में हिस्सा लेना है? युनजू, मैं जानता हूं तुम ट्रेनिंग और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन पर ध्यान दे रही हो, पर ये वैरायटी शो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है तुम मदद करोगी। मैं तुम्हें ज्यादा बर्डन नहीं दूंगा, तुम्हारा वक्त मैं बर्बाद नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। मुझे पता है कि बहुत काम। किसी, क्या तुम्हें लगता है मुझे हिस्सा लेना चाहिए? यूनजू, मैं नहीं चाहती कि तुम कोंगो के लिए और सैक्रिफाइसेस करो। अगर तुम सच में नहीं चाहती हो तो प्लीज मत करो। सी जीशा, कोंगो के लिए इतनी मेहनत करने के लिए शुक्रिया, पर कोई बात नहीं, मैं खुद संभाल सकती हूँ, ये जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, मैं हिस्सा लूंगी, पर एक शर्त पर। कौन से शर्त? तुम शो में चलोगी। मैं? मेरे डैड मुझे रेसलिंग करने नहीं देंगे, तुम जानती हो ये शो पब्लिक में दिखाया जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे अलावा क्वांगो में किसी में वो काबिलियत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ, अगर तुम क्वांगो की मदद करना चाहती हो तो एक ही तरीका है कि तुम क्वांगो की ओर से शो में जाओगी, वरना शो बेकार होगा। केसी, क्वांगो की मदद करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना, ये तुम मुझे अकेले करने नहीं दे सकती हो। यूनजू सही कह रही है, लिनविन की असल ताकत यूनजू की ताकत से अलग है। वो खेल जीतने के लिए नहीं बल्कि क्वांगो की कहानी बताएगी, और क्वांगो की तरफ से फाइनल गेम में कोई होना चाहिए यूनजू से रेसल करने के लिए तो वो तुम्हें होना चाहिए। पर मेरे डैड क्या कहेंगे? अगर उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे तो? मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। अच्छा बताओ, हम रोज साथ में खाते हैं, हमें एक कदम और करीब होना चाहिए। कौन सा कदम? मेरा मतलब है कि तुम्हें किसी लॉयर दोस्त की कमी नहीं लगती जो तुम्हें सेफ रखे? मुझे जरूरत नहीं, ना ही लॉयर की ना ही बॉयफ्रेंड की। टाइम वेस्ट करना बंद करो। हाँ, तुमने कभी ब्रिज क्रॉस किया है? क्या? एक बड़ा ब्रिज। हाँ किया। वहां कोई गार्ड रेल थी? हाँ। तो तुमने पार करते वक्त उस पे हाथ रखा? नहीं। तो क्या वो बेकार है? लोग नदी में गिर जाएंगे अगर वहां हैंड रेल ना हो तो। देखा, तुमने इस्तेमाल नहीं किया और वो वहां पर है, बिल्कुल बेकार। तुम्हारा मतलब तुम वो हो? समझदार हो, देखो ना, लोग कम इस्तेमाल करते हैं पर वो उनकी जरूरत है। ठीक है, मैं सोचूंगी इसके बारे में, वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगी अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो। ठीक है, एक बात बताओ, क्या ली यूनजू तुम्हारी एक्स टीममेट है?
उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मुझे उम्मीद है आप में काबिलियत है खुद को बचाने की और लोगों को भी। मैं पहले लोगों को नहीं मारूंगी क्योंकि मैं पोलाइट हूँ और लड़ाई नहीं करती, पर दूसरे लोगों को लड़ने से नहीं रोक सकती। तो अगर लोग मुझे मारते हैं तो मुझे उम्मीद है, मुझ में हिम्मत है आगे आने की, सभी उलझनों से, इनजस्टिस और वायलेंस से लड़ने की। क्या यही वजह है जो तुम मैदान में खड़ी रहती हो? खुद को बचाने के लिए और अपने आसपास के लोगों को भी और सभी अन्यायों से बचने के लिए भी। लियोन्सो, छोड़ो, 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 दूर हटो। लगता है वो लियान को डेट कर रही है। क्या? लियान को डेट कर रही है? कब से कर रही है? मैं कुछ नहीं जानती। तुम भी लियान को जानती हो क्या? वो लियोन्सु को जानता है। हर बार ट्रेनिंग में वो लियोन्सु को मिलने आता है। वो एक दूसरे को कितना जानते हैं? वो तो बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। लियोन्सु लियांग की गर्लफ्रेंड है, केसी लियांग की एक्स गर्लफ्रेंड है, तो लियोन्सु और केसी। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे कांगू की सुंदर लड़कियों की काउंसलिंग मशीन समझ रहे हो? क्या तुम्हारी लियोन्सु पे नजर है या केसी पर? हाँ, मेरी नजर नहीं है, मैं अपने दोस्त के लिए पूछ रहा हूँ। गुस्सा मत करना। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। लिनमेन, क्या तुम्हें जलन हो रही है? क्या बकवास कर रहे हो लिनमेन? क्या तुम जल रही हो ना? मैं जल रही हूँ? जलन हो रही है? डैड, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो। बात यह है कि मैं क्या आप क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी जॉब के बारे में है? मुझे मेरा जॉब पसंद नहीं, रेसलिंग पसंद है। कभी भी नहीं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, जो तुम्हें पसंद है उससे शादी करके फैमिली बसाओ, एक अच्छी लाइफ जी सकती हो। फाइटिंग फाइटिंग, तुम फाइटिंग नहीं कर सकती। डैड, कोच, क्या तुमने कोच से रेसलिंग के बारे में बात की? तुम जानती हो कोच को पसंद नहीं है। डैड को प्लीज शांत कर देना, मैं जा रही हूँ। अरे योगर्ट ले जाओ, कोच ने दिया है। बाय। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब मेरी फाइट देखने के लिए आए, और मैं यहाँ बैठे हर एक इंसान से ये कहूँगी कि अगर उसमें भी फाइटर बनने की चाहत है। मिस्टर शो, मैंने पहली बार आपको टीवी पर मैच देखते हुए देखा है, आप ये सीन क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि तुम्हारे सर्कल में इसका क्या लेवल है। वो अच्छी है। मैं आपके इमोशंस फील कर सकती हूँ। आप अभी खुश है ना? इसकी वजह योन्सु है ना? हाँ, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं उसे देख रहा हूँ। लेकिन क्यों? आप एक दूसरे को जानते ही नहीं, आपको रेसलिंग वाली लड़कियाँ पसंद ही नहीं है ना, आप अचानक से उसके फैन क्यों बन गए? भला ही हम एक दूसरे को नहीं जानते,
लेकिन मेरे लिए वो आज से एक खास इंसान है। आप बताइए, इस वक्त आपको कैसा लग रहा है? मैं बता नहीं सकती मुझे यहाँ आकर कितना अच्छा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ मैं आगे भी ऐसे ही लड़ती रहूंगी। ठीक से सोई नहीं? आपकी वजह से। इसमें मेरी क्या गलती? कल रात आप क्या सोच रहे थे? आपके अंदर के इमोशंस बहुत थे, उदासी से लेकर खुशी तक और दुख से लेकर एक्साइटमेंट तक। मुझे लगा आप सारे इमोशन से गुजर रहे थे। मैंने 2000 शिप की गिनती की फिर भी नहीं सो पाई। क्या वो प्यार था? मतलब? तुमने ही कहा कि तुमने सारे इमोशंस को फील किया था, तो मुझे बताओ क्या वो चीज प्यार थी? मुझे कैसे पता होगा ये प्यार है या नहीं? पहले कभी प्यार नहीं किया? तुम अपने एक्स से प्यार नहीं करती थी? क्या तुम्हें नहीं पता कि प्यार क्या होता है? आपने पहले प्यार किया? जाने दो, पूछना ही बेकार है। मोबाइल फोन? कौन सा मोबाइल? तुम्हारा। आपको क्या करना है? वो मुझे दो। लियांग का नाम तुम्हारे फोन में क्या कर रहा है? लियांग जीशाओ। जीशाओ भैया, तो पड़ता है कि मैंने शो को लेकर मन बदल लिया है। हम बाद में बात करेंगे। कहाँ हो तुम? मैं तो ऑफिस में हूँ। मैंने नए प्रोग्राम्स भी लिख लिए हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो 1 घंटे में नीचे कैफे में मिलते हैं। ठीक है। युंजू। अरे जिशा, तुम्हारा प्रोग्राम पूरा हो गया? हाँ हो गया। थैंक यू सो मच युंजू, तुमने मुझे एडवाइस दी और पूरी रात जग रही थी मेरे साथ। अगर तुम नहीं होती तो मैं इतनी जल्दी प्रोग्राम पूरा नहीं कर पाता। अब मैं जाकर आराम करती हूँ। युंजू, क्या तुम्हें बाद में कोई काम है? मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो मिस्टर शू से मिलने। मुझे उससे मिलना होगा? तुम हमारे शो का चेहरा हो, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो उन्हें मनाने। वो ऐसा आदमी है जो बाज को नहीं छोड़ता जब तक खरगोश ना दिखे। मैं चाहता हूँ उसे पता चले कि ली युंजू पक्का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। जिशाओ, तुम्हारे लिए क्या ये शो इतना इम्पोर्टेंट है? ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। जब तक मैं मदद कर सकती हूँ मैं करूंगी। थैंक यू सो मच युंजू, तुम जो कहोगी मैं करूंगा मिस्टर शू से मिलने के बाद। सच में? हाँ सच में। जीशा, मिस्टर शू और मैं तुमसे मिलने आ रहे हैं। सोच समझ कर बात करना और हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ मत बोलना। लियांग जिशाओ, क्या हुआ? जब तुम रिलेशनशिप में थी वो किस तरह का इंसान था? क्या मतलब है किस तरह का इंसान? क्या वो अच्छा इंसान था? आप क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे ध्यान रखना है कि वो ली को खुश रखेगा। ली युंजू, आप रोज उसके बारे में बात करते हो। समझ में नहीं आ रहा आपको कैसे समझाऊं। बॉस, आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। जीशाओ बहुत ही नर्म दिल और अच्छा इंसान है। वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। समझ गया। जब वो इतना अच्छा है तो तुमने ब्रेकअप क्यों किया? अच्छे तो आप भी लगते हो, तो क्या आपके साथ रहूंगी? मैं कौन होती हूँ तय करने वाली?
तुम्हें सच में लगता है कि मैं अच्छा हूं उस लियांग की तुलना में? मिस्टर शु, आजकल आप बहुत अजीब बातें करने लगे, जैसे कि आप कोई दूसरे इंसान में बदल गए। मिस्टर शु, मुझे ये फीलिंग क्यों आ रही है कि आप जीशाओ से मिलने के लिए डेस्परेट हैं? क्योंकि वो ली यून्जू के साथ है। वेलकम यून्जू। वेलकम सर। मिस्टर शु, हेलो रेस्टिंग गॉडेस, मैं हूँ केसी। मुझे नहीं पता तुम मुझे जानती हो या नहीं, लेकिन मैं मिस्टर शु की असिस्टेंट हूँ। आपके फैन भी हूँ। हेलो, मैं ली यून्जू हूँ, केसी। मिस्टर शु, बैठिए बात करते हैं। सुनो जिशाओ, ये मुझे घूर क्यों रहा है इस तरह? मिस्टर शु, मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये है ली यून्जू, 24 साल की है, जिसने 12 साल से शुरू किया और 20 साल की उम्र तक नेशनल चैंपियन बन गई, और साथ ही क्यू विलेन और क्रूश इवेंट में भी हिस्सा लिया, वो भी 21 साल की उम्र में, फिर एशियन गॉडेस कंपटीशन में ओजावा नाम के प्लेयर को हरा दिया, और ऐसे आपने फर्स्ट एशियन चैंपियनशिप जीता। इन्हें रेसल गॉडेस कहते हैं, इनकी लेग एक्शन कमाल की है, ये क्विक अटैक में अच्छी है, और क्वांगहू कॉम्बैट टीम की खास हिस्सा हुआ करती थी। इन्होंने 2 महीने पहले ब्लैक ड्रैगन्स के साथ साइन किया, मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेकर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप की तैयारी कर रही है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूं मिस्टर शु। ओ हेलो ली यून्जू। ये इतने खुश और घबराए हुए क्यों हैं?